आज की ब्रेकिंग खबर सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अगर नहीं किया है तो इसकी बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक का बटन दबा लें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर की तरफ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा मेट्रो लाइव और मैं हूँ आपका दोस्त लाल बिहारी लाल। आज 25 अगस्त है और लेकर आए हैं ब्रेकिंग खबरें। बात करते हैं पहले खबर की, तो पहले खबर निकल कर जीएसटी का छूट का दायरा 20 लाख से बढ़कर 40 लाख हुआ। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के जारी ताज़ा नोटिफिकेशन के अनुसार जीएसटी छूट का दायरा 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है। इसका फायदा छोटे मोटे कारोबारियों को होगा। इसके अतिरिक्त 1.5 करोड़ रुपये टर्न ओवर वाले लोग कंपोजिशनल स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं और केवल 1% कर का भुगतान कर सकते हैं। नया स्कीम लागू होने से टैक्स पेयर बेस लगभग दोगुना हो जाएगा। पहले जीएसटी एसएससीज की संख्या 64 लाख थी, अब 1.24 करोड़ यानी कि 1.24 करोड़ के आसपास हो जाएगी। अब बात करते हैं अगले खबर की, तो अगले खबर निकल कर गाड़ीवान को मिला गाड़ी चलाने की छूट। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र वाहन चालकों को बड़ी राहत प्रदान की है। ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि DL और RC और मोटर व्हीकल से जुड़े अन्य सभी दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। इसकी वजह वाहनों को एक्सपायर हो चुके या होने वाले हैं उसका रिन्यू कराने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। यह तीसरी बार बढ़ाया गया है। इसके पहले 30 मार्च को, फिर 30 जून को तक और फिर 30 सितंबर तक बढ़ाया जा चुका है। खबर बिहार के पटना से निकल के आ रही है दोस्तों, बिहार में शिक्षकों की होगी बम्पर भर्ती पर उसमें सिर्फ बिहारियों को रखा जाएगा। राज्य पंचायत प्राइमरी स्कूल शिक्षक भर्ती 2020 पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोहर लगा दी है। उन्होंने कहा शिक्षकों के शुरू होने जा रही भर्ती में पंचायती प्राइमरी स्कूल शिक्षक भर्ती को बल राज्य के निवासी को ही दिया जाएगा। इस बैठक में जिला परिषद, नगर निकाय, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक सेवा और शिक्षकों की पदोन्नति पर भी मुहर लगा दी गई है। हाल ही में देश के पहला राज्य मध्य प्रदेश था जिन्होंने वहां ये घोषणा किया था कि मध्य प्रदेश में नियुक्तियां सिर्फ मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए की जाएगी। बिहार दूसरा ऐसा प्रांत है जहां यह घोषणा किया है कि बिहार के नियुक्तियों में सिर्फ बिहारियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। अब अगली खबर निकल के आ रही है RBI से। जहाँ दोस्तों, अर्थव्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है, कहना RBI के। सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था जब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी तब कोरोना वायरस ने सब कुछ चौपट कर दिया। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, भारत भी इसमें अछूता नहीं है। डिमांड और सप्लाई का चैन टूट चुका है, जिस नौकरियाँ जा रही है इससे वृद्धि दर कम रहेगा। RBI का कहना है कि कोरोना वायरस 19 महामारी के चलते सुस्त पड़ी आर्थिक व्यवस्था को क्षतिपूर्ति करने के लिए व्यापक सुधार की जरूरत है। अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की, तक देश में कोरोना पिछले 24 घंटों में 60,975 बढ़े हैं और टोटल 31,67,323 हो चुके हैं। 848 मौतें हुई पिछले 24 घंटों में और टोटल मौतें 58,390 हो चुकी है। डेथ रेट में काफ़ी सुधार हुआ है यानी कि 1.84% रह गई है। वहीं रिकवरी की बात करें तो अभी तक 24 लाख से ज़्यादा लोग रिकवरी हो चुके हैं और रिकवरी रेट 75% है। वहीं बात करें एक्टिव केस की, तो एक्टिव केस 7,04,000 से ज़्यादा एक्टिव केस है और रिकवरी एक्टिव केस की बात करें तो 23% रिकवरी केस अभी हैं और वर्ल्ड में 40% अमेरिका और ब्राज़ील में सिर्फ कोरोना के मरीज हैं। और पिछले 24 घंटों में अमेरिका में 41,448 केस बढ़े हैं और ब्राज़ील में 21,434 बढ़े हैं, जबकि भारत में 60,000 से ज़्यादा बढ़े। इसलिए चिंता की बात है, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जब तक जरूरी नहीं है तब तक बाज़ार नहीं जाए। बाहर जाए तो मास्क के साथ जाए, सैनिटाइजर के साथ जाए, घर पर रहे तो बार बार साबुन से हाथ धोएं। टोटल अभी तक कोरोना के टेस्ट जो है भारत में 3,72,00,000 के आसपास हो चुके हैं और पिछले 24 घंटों में 9 लाख के आसपास टेस्ट हुए हैं और पॉजिटिविटी रेट 7% है।